तो हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी हमने जनवरी में आईपीएस पीओ और क्लर्क का मेंस का पेपर दिया था। जिन बंदों ने आईपीएस पीओ मेंस क्वालिफाई किया था तो उनका रिज़ल्ट अब जाके अभी आधे पौन मतलब थोड़ी देर पहले अनाउंस हो चुका उनका स्कोर कार्ड। और जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था उनका स्कोर कार्ड उससे पहले दिखा देगा। जैसे मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, जीए की सेक्शन कट ऑफ रह गई थी मेरी आईपीएस पीओ की, तो मेरा पहले स्कोर कार्ड दिखा दिया था। अब मैंने आईपीएस क्लर्क मेंस भी दिया है तो उसका जो फाइनल रिजल्ट है, या तो आप कह सकते हैं मेंस का जो रिजल्ट है वो 1 अप्रैल को अनाउंस होने वाला है, डेट फिक्स है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। और मैंने खुद ने दिया था आईपीएस क्लर्क मेंस, मेरा भी आएगा रिजल्ट। मैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट ज्वाइन कर चुका हूँ, पर फिर भी मैंने वो दिया था पेपर क्योंकि वो घर से ज़्यादा पास है, तो उस हिसाब से देखो क्या होता है, वैसे क्या चांसेस रहते हैं, नहीं होता या होता है क्लियर, ये देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहता है। तो इसकी अपडेट मैं इसी चैनल पर डाल दूंगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट सभी को उसके लिए। और आपका आईपीएस पीओ का स्कोर कार्ड क्या रहा, कौन कितने नंबर से रहा, जिनका हो और किसके कितने कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, उस हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा इंटरव्यू में, जिन जो जो इंटरव्यू में के लिए गए थे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं रिजल्ट वाले दिन, और उससे पहले आरबीआई सेशन का जो पेपर होगा उसके सेल्फ गिवन एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।